मैं तो खुशी खुशी हो गर चढ़ाऊंगी, मेरे चरणों के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय मुंबई के दहिसर में भगवान श्री राम के भक्तों में 75,000 लड्डू बनाकर प्रसाद के रूप में बांटने की जोरदार तैयारी, यह देखिए रमेश भाई शाह एवं उनके परिवार के लोगों द्वारा किया जा रहा है। सभी लोग यहां पर लड्डू बनाने में जुटे हुए हैं। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी रमेश भाई शाह को मिला हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के मुंबई उपाध्यक्ष रमेश भाई शाह आडवाणी जी की रथ यात्रा एवं अयोध्या में कार सेवा भी कर चुके हैं। इस मौके पर उपस्थित रमेश भाई शाह, केतन पंड्या, मुकेश शाह, प्रवीण सिंह एवं शाह परिवार के अन्य सदस्यों ने बातचीत में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। 450 साल से मेरा राम एक छोटी से झुकी झोपड़ी में बैठा हुआ था। सारा हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक जो है, असत्य के ऊपर सत्य का जो विजय जिसे कहा जाता है, इसे प्रभु रामचंद्र 450 साल से, यह हिंदू समाज के लिए एक दुखद घटना थी। मुझे याद है 1990 के आसपास में जब हम लोग रोड पे चलते थे और जय श्री राम का नारा लगाते थे, उस समय लोग हमें हंसते थे। हम लोग थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सुगंध राम की खाते हैं, तो लोग बोलते थे सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे हमें बोल रहे थे। मुझे याद है कि लास्ट 30-35 साल से मैं विश्व हिंदू से जुड़ा हुआ हूँ। जब जब कार सेवा हुई तब मैं गया हूँ, जब मुलायम सिंह ने गोलियाँ चलाई तभी भी मैं गया था, जब डावरी ढांचा ध्वस्त हुआ उस समय भी मैं गया था, दिल्ली में हमने जब भी कोई भी कार्यक्रम किया हम दिल्ली में भी गए थे, और मुंबई में जो भी कार्यक्रम होते सभी में मैं सहभागी होता था। ये मेरा सौभाग्य रहा और हमारा सबका सौभाग्य ये रहा कि 450 साल अभी जो भी हिंदू समाज है वो देख रहा है कि छोटे से झोपड़ी से आज भव्य राम मंदिर में प्रभु रामचंद्र विराजमान हो रहे, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए। आप 1,00,000 लड्डू वितरण करने वाले हैं जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे याद है जब खनन विधि हुई उस समय हमें इतना आनंद था, हमने तय किया कि लोगों से दान पुण्य लेके 51,000 लड्डू बांटेंगे। हमने उस समय 51,000 लड्डू बांटे जुटी झोपड़ियों में, दहिसर, बोरेवली, कांदीवली, मलाड़, भाईंदर, मीरा रोड, सारी जगह हमने लड्डू बांटे, क्योंकि लोगों को खुशी व्यक्त होनी चाहिए, मुंह मीठा होना चाहिए, बांटे। इस बार हमने किया, रामलला अभी विराजमान हो रहे भव्य मंदिर में तो हमने भव्य कार्यक्रम करना चाहिए, तो हमने तय किया 1,00,000 लड्डू हमने बनाए, और 1,00,000 लड्डू में से 51,000 लड्डू हम फ्री बांटेंगे, और उसके बाद में जो 50,000 बचेंगे उस पर भी हमने स्कीम बनाई कि 1,00,000 लड्डू जो लेने आएंगे उसको हम 0.5 किलो लड्डू फ्री देंगे, तो और मतलब 50,000 में से 25,000 और फ्री हमारे बटेंगे, तो सब 1,00,000 में से 75,000 लड्डू हम फ्री बांटेंगे, क्योंकि हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मेरे रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। देश की जनता को क्या मैसेज देंगे अयोध्या राम मंदिर को लेकर? देश की जनता को हम क्या मैसेज देंगे, सभी के राम हैं, हमारे केवल राम थोड़े, सभी के राम है, जितने सनातनी है या जिस इस पृथ्वी पे जो भी है, जो मानने वाले हैं, पुनर्जन्म मानने वाले हैं, यह सभी के राम 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 है, तो यह राम सबके है, यही हम सबने मिल के राम का उत्सव मनाना चाहिए। और यह आसान नहीं, हम बचपन में बोलते थे, जवानी में बोलते थे, बुढ़ापे में बोल रहे हैं कि संघ कार्य आसान नहीं है लेकिन डरना काम नहीं है, कार्य पूर्ति अब करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय श्री राम। आज 450 साल बाद राम जी अपने पुनः वही स्थान पे जा रहे, पुनः उनके महल में जा रहे, जो कि झोपड़ी में से, जो छोटी सी उनकी तंबू में से आज भव्य राज महल में जा रहे, तो वो बहुत बढ़िया खुशी का, आनंद का दिन होगा। ये 22 जनवरी का जो दिन है बहुत खुशी का दिन होगा हमारे लिए भी, और हमको एक बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमको लड्डू बनाने का मौका मिला, और लड्डू फ्री में हम बांट रहे, 51,000 लड्डू हम लोग फ्री में बांट रहे, 1,00,000 लड्डू बनाने वाले हैं उसमें 51,000 फ्री में बांटेंगे और बाकी 1 किलो के ऊपर 1 फ्री में लड्डू बांटने वाले हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आपके बड़े भाई जो हैं
बहुत नेक काम कर रहे हैं राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके। हमारे रमेश भाई काफी सालों से, मुझे याद है कि 32 सालों से जब अडवाणी जी की यात्रा यहाँ बोधली में आई थी, तब से वो काम लगातार हिंदू के लिए, विश्व हिंदू परिषद विश्व हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। और हम सभी को खूब आनंद है कि 22 तारीख को ये जो राम मंदिर बन रहा है उस हम सब लोग सहभागी हो गए और हमारा जन्म सफल हो गया, मैं तो समझता हूँ। प्रवीण जी, क्या संदेश देंगे रमेश भाई का जो ये पुण्य कार्य चल रहा है? बहुत अच्छा लगा जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठान तय हुआ तारीख डेट, और जब वो कार्यक्रम बन के यहाँ आया और पूरे भारतवर्ष में 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक जो निमंत्रण घर घर जाके देना था, जो संघ ने तय किया था, तो इस बार संघ ने कहा था कि हम पिछले बार जब मंदिर का निधि संकलन करने के लिए घर घर गए थे, तो इस बार हमने कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, उनसे निमंत्रण देने गए थे, उनसे ये कहने आए गए थे कि 22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान होगा, तो इस अक्षत को आप अपने घर के मंदिर में डालिए। और उस दिन धूमधाम से इस बार 2024 में एक दूसरा दिवाली मनाइए, शाम को मिठाइयाँ बांटिए, फटाका फोड़िए। और मुझे बड़ी खुशी की बात तो ये है ही, उससे भी एक जानकारी आपको देता हूँ, राम जी की जो पत्नी सीता जी हैं, जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है, उस जिला से मैं हूँ, और उस जिला से संन्यास बोलते हैं जब शादी होने जाते हैं लड़की का, तो हमारे गाँव के लोग एक एक दौरा, दो दो दौरा, इस 21,000 दौरा पिछले 14 तारीख को निकला था और 15 को सुबह अयोध्या पहुंचा, वहाँ कार सेवकपुरम में रखा गया, हमारे भाई भी गए थे उसमें, तो मुझे और आनंद है। और आने वाले समय में वहाँ भी सीता जी का भव्य मंदिर बनेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। मुकेश जी, क्या संदेश देंगे आप? रमेश भाई ने मेरे को आज फोन आया कि हम आज ये आज से उत्सव स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सरकार की तरफ से निमंत्रण आया है, तो मैं रमेश भाई, केतन भाई पंड्या, गणेश और लखन सबका आभारी हूँ कि आज उनके साथ में मेरा 40 साल से पारिवारिक संबंध है, और वो जो काम करते हैं वो हम देखते हैं। 51,000 लड्डू हर बोरीवली देसर कांदिवली स्लम में बांटने वाले, 1,00,000 लड्डू बनाने वाले, 1 किलो 1 किलो फ्री देने वाले, तो ये मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। हम लोग बहुत ही आनंदित है कि आज भगवान राम 500 बरस के बाद एक छोटे से तंबू में से एक अयोध्या के बड़े मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि मेरे ससुर आज अयोध्या के लिए, उनको इनविटेशन मिला है और उधर अयोध्या में जाके भगवान राम को विराजित होते हुए देखेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री। बहुत सारी मिठाई बनाई है, लड्डू बनाए हैं और सबको 1,00,000 लड्डू बनाए हैं, 1,00,000। पहले बता, अभी लड्डू बना रहे थे आप लोग, क्या कहेंगे? राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप लोग खुशी में लड्डू बना रहे हैं जो प्रसाद में बांटेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उसके वजह से सबको बांट रहे हैं कि वो भी इस बड़ी सी हमने जो इवेंट रखा है अयोध्या में, उसका पार्टिसिपेशन वो कर सके हमारे द्वारा। आप लोग मिठाई बना रहे थे, लड्डू बना रहे थे, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें दिल से बहुत आनंद हो रहा है कि हमारे राम लल्ला को उनकी जगह मिल रही है। अभी इतने 500 वर्ष के बाद मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है वो मंदिर दिलाने के लिए, कि बहुत सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से। उस खुशी में लड्डू बना जा रहे हैं? हाँ, उस खुशी में हम लोग लड्डू बना रहे हैं। कितने लड्डू बना जा रहे हैं? 1,00,000 लड्डू बना रहे हैं। कहाँ वितरित किए जाएंगे? पूरे मुंबई में।